Question number 252. Factorize y square minus 7y plus 12. तो इसको मिडिल इसको फैक्टराइज करने के लिए इसका मिडिल टर्म्स को हमें स्प्लिट करना होगा और उसके लिए 12 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. 2 से 6, अगेन 2 से 3, 2 इंटू 3, ये हो रहा है 12 का प्राइम फैक्टर और हमें लाना है 7. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये होगा 4 और माइनस 4 और माइनस 3 इनको ऐड करेंगे तो ये होगा माइनस 7. तो हम मिडिल वाले टर्म्स को लिखेंगे माइनस 4y माइनस 3y. और इसमें फर्स्ट टू टर्म में इसमें कॉमन है y, तो ये होगा y माइनस 4 और लास्ट के टू टर्म में माइनस कॉमन लेंगे और 3 और 12 में 3 कॉमन है. तो माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज होगा और 12 3 का टेबल में 4 3 जा 12 और इनमें कॉमन है y माइनस 4 तो बचेगा y माइनस 3 आंसर.